मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए केशव। किंतु आज तुम्हारे और जयद्रथ के बीच कौरव सेना के सारे महारथियों की दीवार है पार्थ। आज मुझे कोई दीवार नहीं रोक पाएगी केशव। मैंने कहा था ना पार्थ कि केवल कर्म तुम्हारे वश में है और कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त भी तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। तुम भरतवंशियों को प्रतिज्ञाएं करने में इतनी रुचि क्यों है? पितामह प्रतिज्ञा में जकड़े हुए हैं, मझले भैया प्रतिज्ञाबद्ध हैं, और अब तुमने अपने आप को एक प्रतिज्ञा में बांध लिया। किंतु क्या उन्हें अभिमन्यु के साथ छल करना शोभा देता था केशव? एक बालक पर सात सात महारथियों का आक्रमण करना यह धर्म के विरुद्ध नहीं है? अपने इन प्रश्नों के उत्तर महादेव से मांगो पार्थ, क्योंकि कल जयद्रथ उनके वर का कवच पहने हुए था और उन्होंने सब कुछ जानते हुए सिंधु नरेश को यह वर दिया था। वे ईश्वर हैं पार्थ, और ईश्वर से कभी कोई कार्य अनजाने में नहीं होता। जयद्रथ का वध आवश्यक है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने हाथ प्रतिज्ञा की डोरी से बांधने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब तुम्हारी आंखें लक्ष्य से अधिक सूर्य पर होंगी। लक्ष्य को वाण नहीं बेधता पार्थ, लक्ष्य को बेधती हैं धनुर्धर की आंखें, और आज इस समय तुम्हारी आंखों में तुम्हारी शपथ की धूल है। मैं क्षमा चाहता हूं वासुदेव, किंतु अब तो शपथ ले चुका, मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, अवश्य ले चलता हूं, किंतु ये समझ लो कि आज जयद्रथ आचार्य द्रोण के कमल व्यू के भीतर है, जो यहां से 12 कोस की दूरी पर है। 12,000 कोस की दूरी पर क्यों ना हो केशव, मैं आज सूर्यास्त से पहले उसका वध अवश्य करूंगा, और यदि ना कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। केशव मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए, केशव मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलिए, क्योंकि आज यदि सारी कौरव सेना उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी है तो मेरे पास अधिक समय नहीं है। केशव मेरा रथ उसकी ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, परंतु तुम रथ के लिए मार्ग बनाना आरंभ करो। जो आज्ञा केशव। गुरुदेव, अर्जुन तो पढ़ता ही चला रहा है, उसे रोकिए गुरुदेव, नहीं तो वो सूर्या से पहले ही युद्ध जीत चुका होगा। प्रणाम गुरुवर, आज मेरा मार्ग ना रोकेगा गुरुवर, क्योंकि आज जो मेरे सामने आएगा महादेव की सौगंध, मैं उसे अपने मार्ग से हटाकर जयद्रथ की ओर चला जाऊंगा, इसलिए आज मुझे रोकने का प्रयत्न ना करना गुरुवर। जब तक मैं तुम्हारा मार्ग रोके खड़ा हूं कुंती नंदन, तब तक तुम सिंधु नरेश के पास जा ही नहीं सकते हो। सिंधु नरेश के पास जाने के लिए तुम्हें मुझे मार्ग से हटाना होगा। जो आ गया।
यदि इनसे द्वंद्व युद्ध में उलझे रहे पार्थ तो सूर्यास्त हो जाएगा। ठहर जाओ अर्जुन, शत्रु को पराजित किए बिना ही जा रहे हो? आप मेरे शत्रु नहीं है आचार्य, आप तो मेरे गुरु हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि स्वयं आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन ने आपका कमल व्यू तोड़ दिया गुरुदेव, और वो सिंधु नरेश की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। हम सब तो ये सोचते रहे कि आपको पार कर लेना अर्जुन के लिए संभव नहीं होगा, किंतु आपने उसे कतरा कर निकल जाने दिया। मैं उसकी पीठ पर बाण नहीं चला सकता था युवराज। यदि आप घेर कर एक बालक का वध कर सकते हैं
तो अर्जुन की पीठ पर वान क्यों नहीं मार सकते? गुरुदेव, ये आपका आश्रम नहीं है जहां युद्ध की मर्यादा पर वाद विवाद चल सके। ये रणभूमि है गुरुदेव, जाइए और जाकर सिंधु नरेश की रक्षा कीजिए। सिंधु नरेश तो कल रात ही सिंधु देश की ओर प्रस्थान करना चाहते थे, परंतु मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं अर्जुन को उन तक नहीं पहुंचने दूंगा। जाइए और जाकर मेरे वचन का पालन कीजिए। मेरा यहां से जाना उचित नहीं है वत्स, मैं सिंधु नरेश का अंग रक्षक नहीं हूं, मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति हूं और मुझे तुम्हारे लिए युधिष्ठिर को बंदी बनाना है। जयद्रथ की रक्षा के लिए तुम जाओ, मैं यहां ठहरकर युधिष्ठिर की प्रतीक्षा करूंगा। इस समय अर्जुन उसके साथ नहीं है, इसलिए उसे बंदी बनाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। सिंधु नरेश की रक्षा के लिए तुम जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो सारथी। रथ क्यों रोक दिया केशव? तुम्हारे अश्व थक गए हैं पार्थ, और थके हुए अश्व तुम्हारे रथ को विजयश्री की ओर नहीं ले जा सकते। परंतु केशव, अब सूर्यास्त में बहुत देर नहीं है केशव। हाँ, बहुत देर तो नहीं है। सावधान अर्जुन। दुर्योधन, अर्जुन अभी अपने रथ पर नहीं है, और युद्ध के जो नियम बने थे उसमें एक नियम यह भी था कि किसी पैदल पर कोई महारथी आक्रमण नहीं करेगा। वो नियम पितामह ने बनाए थे वासुदेव, मैंने नहीं। मेरा नियम ये है कि शत्रु जहां मिले जैसे मिले उसे वहीं मार डालना चाहिए। सावधान। शस्त्र उठाइए ब्राता दुर्योधन, शस्त्र उठाइए। यू हाथ रोककर मेरा अपमान न करो अर्जुन, मुझ पर वाण चलाओ। इसका ध्यान रखना पार्थ कि जयद्रथ का सिर कटकर भूमि पर न गिर जाए। उसके पिता का यह वरदान था कि जो उसके सिर को काटकर भूमि पर गिरा दे, स्वयं उसके सिर में एक विस्फोट होगा और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए ऐसा वाण चलाना पार्थ कि जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता की ही गोदी में गिर जाए, यही उसकी मुक्ति का मार्ग है। ऐसा ही होगा केशव। ये दुर्योधन भी आज मेरा वध करवाए बिना मानेगा नहीं।
मैं ना जाने अब तक कितनी दूर निकल चुका होता। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? अर्जुन का रथ रोको। ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा? ये निर्णायक घड़ियां हैं दुशासन। यदि आज सूर्यास्त हो गया और तब तक अर्जुन सिंधु नरेश का वध नहीं कर सका, तब तो उसे अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। और यदि इस रणभूमि में अर्जुन ही नहीं होगा, तब इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। दुशासन, जाओ सिंधु नरेश की रक्षा करो। जो आज्ञा भ्राता श्री। चलो सारथी। हे सूर्यदेव, आज शीघ्र ही अस्त हो जा। समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन? बताओगे नहीं? अरे बताओ। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, वो रहा सूर्य और ये जयद्रथ। जयद्रथ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ।
भाग जयद्रथ, भाग! मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। प्राण पूरा कर पार्थ ने सिद्ध किया संधा, जयद्रथ पितु संग मिटा, बचे पार्थ के प्राण। सीख हम बीते युगों से नए युग का, करें स्वागत, करें स्वागत, करें